अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिर के नाम के ऊपर चैनल बनाया है। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे बहन भाई जहाँ पे भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज मिलवाता हूँ आपको असल साहिर से, जिसके नाम का चैनल है, और अपना इंट्रोडक्शन भी कराता हूँ और अपने मकासद भी आपको बताता हूँ। कुछ दिनों से लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि जी यूट्यूब पे कमाने के लिए ये बंदा इस तरह कर रहा है। 2 महीने हो गए मेरे भाइयों यूट्यूब पे काम करते हुए, मेरी अर्निंग शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अर्निंग जान के भी आप हैरान हो जाएंगे कि 2 महीने के अंदर मुसलसल वीडियोज़ बनाते हुए हो गए हैं और मुझे 1400 रुपया रिसीव हुआ है। लौट के पैसे भी नहीं पूरे हो रहे मेरे भाई। अगर मकसद कमाने का भी हो सकता है, बेशक हर बंदा इससे कमाता भी है, लेकिन एक मकसद ये भी तो होना चाहिए ना कि अगर मैं इससे कुछ कमाऊं तो मेरे लोगों को इससे फायदा हो। लोगों को नुकसान पहुंचा के मैं अगर कमाऊं तो वो रिस्क मैं इनको खिलाऊंगा। और कयामत वाले दिन ये भी कह रहे होंगे कि जी हमने आपको कहा था कि हम हराम रिज़्क किसी के मुंह से निवाला खींच के हमें कमा के खिलाओ। ये भी हमारे वाकिफ नहीं बनेंगे। मकसद ये होना चाहिए कि अगर हम लोग इससे कुछ कमा रहे हैं तो अगला कोई हमें अगर इससे कोई पेमेंट दे रहा है तो हम लोगों को नुकसान के बारे में आगाह करें, निरा पिरा फायदा बताएं, उनका नुकसान करवाएं, हराम रिज़्क कमाएं। मैं इस रिस्क को हराम समझता हूँ। ठीक है मेरे व्यूज़ कम आते होंगे, ठीक है, लेकिन खुशी इस बात की है कि चलें जितने बंदों को मैं अवेयरनेस पहुँचा सका अपने तरफ से कोशिश की है, जितनों तक पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। कारोबार कोई बुरा नहीं होता, उसको जो करने का तरीका होता है ना वो तरीका कार ख़राब होता है। मैंने अभी कल अच्छी वीडियो बनाई थी, लेकिन आप लोग सिर्फ अटके हुए हैं ना कि जी हमने कपड़े का ही करना है, कपड़े का ही करना है। बहुत से भाई दुनिया में कारोबार हैं। मेरा मकसद ये भी नहीं है कि उसमें सारे बुरे होंगे, लेकिन आजकल जो हो रहा है ना ये बहुत बुरा हो रहा है। इतने लोग जेवर बेच के इतना कुछ कर लिया है लोगों ने। अब सच्ची मैं आपको बात बताऊं भाई, कपड़े के ऊपर मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, जो हकीकत बात है। अगर आप लोग अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 1400 रुपया मेरे भाई कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी जो मैंने आप लोगों से कमाई है। अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं। अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो मेरे भाई मैं तो आपको नफ़ा भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा। इस तरीके के साथ अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, मैं भी इसी तरीके को फॉलो करूंगा। दुकानों पे मार्केटों में जाने का मैं रह नहीं गया। मैं जाऊंगा, आप डिमांड करते हो कि जाओ, मैं जाऊं तो आप लोग कहोगे कि पेड प्रमोशन कर रहा है। मैं जाऊं भी सही तो कोई मुझे वीडियो ही नहीं बनाने देता। मैं चाहता तो व्लॉग बना के भी पैसे कमा सकता था, लेकिन मकसद सिर्फ वही है कि जो मुझे देखे कुछ सीख के तो जाए ना। 1400 रुपया यार क्या रकम है। एक कमजर्फ ने कल मुझे मैसेज किया ये कमाने के लिए, व्यूज लेने के लिए। जो लोग झूठ के ऊपर मबनी वीडियोस बनाते हैं, यकीन करें मैंने उनकी इनकम चेक की है, आप भी कर सकते हैं। सबके चैनल मैंने चेक किए हैं, पर मंथ लाखों रुपया सिर्फ यूट्यूब से कमा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि लाखों रुपया आप वैसे ही उनसे कमा रहे हो, लेकिन लोगों को बर्बाद करा के क्यों कमा रहे हो। यही पैसा आप नफा नुकसान बता के भी कमा सकते हो, सही चीज़ों को प्रमोट करके भी कमा सकते हो। ऐसे खाए पे ना बंदा मर जाए वो ज़्यादा बेहतर है। जब ये कपड़ा पहन के हम नमाज पढ़ते हैं तो कयामत वाले दिन अगर हमने ये कोई हराम माल से ये कपड़ा पहना हुआ है तो कयामत वाले दिन हमारी नेकियां जो है ना हमारे मुंह पे इस कपड़े की वजह से मारी जाएंगी कि हमने झूठ बोल के हराम रिज़्क कमा के ये कपड़ा खरीदा था। तो सोचें हम लोगों ने क्या कुछ अपने साथ कर लिया है। इंट्रोडक्शन कराओ, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? सारिम। हाँ जी, बलोच जात से ताल्लुक रखते हैं। अक्सर लोग अब सोच रहे होंगे कि ये बलोच और उर्दू स्पीकिंग या जो भी मेरी लैंग्वेज है, तो भाई बलोच तकरीबन मेरा ख्याल है कि हर बरादरी में रिंद
बलोच जात से हमारा ताल्लुक है, हम पेंडू देहाती लोग हैं। बस नसीब का रिस्क है जो अल्लाह पाक दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे राजी खुशी हैं। 1400-1500 रुपया तो वैसे मैं डेली का भी कमा सकता हूँ, लेकिन वीडियोस के ऊपर सोचें, 2 महीने में मैंने इतना कम इनकम जनरेट की है। इसके पीछे तो बहुत सी चीज़ें हैं, वीडियो बनाना भी है, वीडियो के बारे में सोचना भी है, रिसर्च भी करना है, एडिटिंग भी है, डेटा भी है। ये रकम कोई बड़ा माना नहीं रखती भाई। जो मुझे बैड कमेंट कर रहे हो ना, अपना अक्ल इस्तेमाल करो। बाकी आपकी कॉल, ईमेल, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप कहते हो ना वीडियोस डिलीट कर दो, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, मैं डिलीट नहीं कर सकता। कितने लोग हैं जो उस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, यही मेरा मकसद, यही मेरी ज़िंदगी है। और मेरा नाम दीन मोहम्मद बलोच है। जो अच्छी लगी है तो भाइयों लाइक कर दो। कौन है? सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मैडम। कैसे हैं? ठीक है? कैसे हैं? ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो साहब? सीनियर में। सीनियर में? आज क्यों नहीं गए? आज छुट्टी थी। हाँ, और भी मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों जो है ना वो स्कूल में पढ़ते हैं। एक नहीं, वो तो मेरा भाई है ना। चलें जी, इंशाल्लाह आप भी गौर करें, कोई अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आए। लाजमन नहीं है जिस काम में उलझन हो ना, मैं चाहता हूँ कि वो काम छोड़ दिया जाए। बहुत बेहतरीन आइडियाज़ हैं, लेकिन आप लोग अटके हुए हो, किधर आपको लेके जाऊँ मैं? अब तो मुझे कंटेंट भी समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों के लिए क्या बनाऊँ, सिवाय कपड़ा कपड़ा कपड़ा। जितने मशवरे थे भाई आप लोगों को दे दिए हैं। साथ छोड़ना चाहें जी बिस्मिल्लाह, रहना चाहें रहते हैं, तो भाई जान वीडियोज़ देखा करें, समझा करें, चलें। शायद आपको कोई बात आपको क्लिक कर जाए, आइडिया कोई पसंद आ जाए, आप ना करें, आपका कोई रिश्तेदार करना चाहे। लेकिन ये आपसे वादा है, इंशाल्लाह नफ़ा नुकसान और रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, अगर चले तो। साथ छोड़ दिया तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।